चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जून 1984 के सैनिक हमले के समय पंजाब के गवर्नर रहे बीडी पांडे ने अपनी किताब में बहुत से खुलासे किए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर से बातचीत करते हुए श्री दरबार साहिब को बम से उड़ा देने के लिए भी कह दिया था। इंदिरा गांधी इस बात के लिए मानसिक तौर पर पहले ही तैयार हो चुकी थी। ये बात वो जून 1984 के सैनिक हमले के समय पंजाब के गवर्नर रहे बीडी पांडे ने अपनी किताब में लिखी है। उसे पढ़ने के बाद पता चला कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिल में सिखों के प्रति और सिखों के धार्मिक स्थान के प्रति कितनी नफरत थी। किताब के मुताबिक बीडी पांडे पंजाब गवर्नर का पद संभालने से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दिल्ली स्थित निवास स्थान पर इंदिरा से मुलाकात करने गए थे, तो उस दौरान पांडे ने बातचीत में महसूस किया कि इंदिरा गांधी पंजाब के प्रति कितनी गंभीर थी। किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी दरबार साहिब से सिख जर्नैल को बाहर निकालना चाहती थी तथा उसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब गवर्नर से कहा कि उनको दरबार साहिब से बाहर निकालने के लिए यदि दरबार साहिब को उड़ाना भी पड़ा तो वे गुरेज नहीं करेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक निजी बस के खड्ड में गिर जाने से कुछ स्कूली बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि सेंस जा रही बस जंगला गांव के पास सुबह करीब 8 बजे खड्ड में गिर गई। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीक स्थित एक अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए सड़क हादसे में स्कूली बच्चे समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है और इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की सेंज घाटी में एक निजी बस के हादसे का दुखद समाचार मिला। ईश्वर इस घटना में दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकग्रस्त परिवार वालों को संबल प्रदान करें। सीएम जयराम ठाकुर ने भी दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि जबकि घायलों को 15-15 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सोमवार को अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत प्रक्षण पास कर लिया है। एकनाथ शिंदे सरकार को 164 वोट पड़े हैं। वहीं उद्धव गुट के एक विधायक ने शिंदे के पक्ष में वोट डाला है। शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। संतोष ने सोमवार को ही उद्धव का दामन छोड़कर शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। महाराष्ट्र में 10 दिन की सियासी बगावत के बाद बड़ा उलटफेर करने वाले शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की नई सरकार ने आज सोमवार को फ्लोर टेस्ट का सामना कर अपना बहुमत साबित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उद्धव खेमे की तरफ से नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने शिंदे गुट के चीफ व्हिप को शिवसेना पार्टी का व्हिप नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई न करके मामले पर 11 जुलाई की तारीख दे दी है। इधर शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। उनकी सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े। चीफ व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जबकि दूसरी याचिका सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की है। आज सोमवार को पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्री शाम 5 बजे पंजाब राजभवन के गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए पंजाब सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी हैं। फिलहाल 5 नए मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा है। हालांकि इससे पहले जब मंत्रिमंडल का ऐलान किया गया था तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए शपथ ग्रहण समारोह में पहले ही मंत्रियों के नामों का खुलासा कर दिया था। ऐसा इस बार नहीं किया गया है। यही वजह है कि मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें जयंती समारोह को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। अलूरी सीताराम राजू भारत की सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान, भारत के शौर्य, आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हमारी विविधता की शक्ति का, हमारी सांस्कृतिक शक्ति का और एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकजुटता का प्रतीक है। इस दौरान पीएम मोदी ने आंध्र की धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदर पूर्वक नमन किया। उच्चतम न्यायालय सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी के अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां अपनी बीमारी को लेकर पहले से ही परेशान है, वहीं रविवार की शाम गिर जाने के कारण उनकी मुसीबत और बढ़ गई है। गिरने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे की हड्डी टूट गई है, जिसका डॉक्टरों ने इलाज कर घर भेज दिया था और आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन इस बीच सोमवार को सुबह 3 बजे करीब लालू प्रसाद यादव को उस समय अचानक पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जब उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी। अस्पताल में आने के बाद डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया तो पता चला कि शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण परेशानी बढ़ी है। शुगर लेवल कम करने और डॉक्टर की निगरानी में रखने का फैसला लेते हुए परिवार ने लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में भर्ती कराया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला।